नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूबाला में। तो आए आज बनाएं एक बिल्कुल नई तरह की डिश। आपने हम बनाएंगे आज बिना फ्राई किए हुए मछली, मछली भी कह सकते हैं इसे, बिना फ्राई शक्करपारे भी कह सकते हैं। तो हाँ, आपने ठीक सुना, आपको तजुब होगा बहुत ज़्यादा कि बिना फ्राई भी कई मछलियाँ बनती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, बिना फ्राई किए इतनी लाजवाब टेस्टी क्रिस्पी क्रंची मछलियाँ बनाएंगे। तो आइए देखें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए मैंने एक कप लिया है मैदा और आधा कप लिए हैं हमने पीसी हुई शक्कर, यानी कि चीनी जो हम चाय दूध में डालते हैं ऑर्डिनरी, उसे मिक्सी के जार में घुमाकर पीस लिया है, आधा कप है। 1/4 कप हमने ये वाला 1/4 कप इससे दूध मिलकर लिया है। 1/4 कप ही हमने घी लिया है, शुद्ध देसी घी। और ये लिया है हमने 1/4 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून ही लिया है हमने नमक, और 1/2 टीस्पून हमने लिया है ये मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये थोड़ा पानी हमने लिया है। टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा जो मटेरियल है टेस्टिंग के लिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या किस काम के लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास पीसी हुई शक्कर है उसे किसी बाउल में आप डाल लें, डाल लीजिए, और उसी के साथ हम घी मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो पीसी हुई शक्कर और घी है उसे अच्छी तरह से क्रीमी होने तक फेंटना है। इसी प्रकार से हम फेंटते जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि फेंटते फेंटते क्रीमी हो जाएगी, और इसकी पहचान क्या है कि ये हमारी अच्छी तरह क्रीमी हो गया, वो भी आपको बताऊंगी। बस अभी मैं इस प्रकार से इसे अच्छी तरह फेंटती जाऊँगी। देखिए, हमने जो चीनी और घी को मिक्स किया था उसे अच्छी प्रकार से बिल्कुल वाइट होने तक फेंट लिया है। पर आप सोच रहे ही होंगे इससे भी फेंट सकते हैं आप, मैंने थोड़ा मटेरियल था इसलिए चम्मच से ही फेंट लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें पता क्या चलेगा कि हमारा अच्छी तरह फिट गया है या नहीं फिट गया। तो मैं इसकी एक पहचान बता रही हूँ, आप लोग ये भी सोचेंगे कितना टाइम फेंटना है, टाइम का मतलब नहीं है। तो इस आप सोच रहेंगे आप हमें टाइम बताएं या कोई पहचान बताएं, टाइम का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा फैट में, कम होगा तो कम। तो एक मैं आपको बिल्कुल स्टीक इसकी पहचान बता रही हूँ कि आपका मटेरियल कितने समय में फिट जाएगा, तो इसकी पहचान है। थोड़ा सा मटेरियल लीजिए, एक कटोरी में पानी लीजिए और डाल दीजिए, देखिए तैयार कर बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो इट मीन्स हमारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले घी और शक्कर को फेटर यानी कि शुगर, और उसको अब जो 1/4 कप हमने दूध लिया था है उसे अच्छी तरह फेंट देंगे दूध डालकर। बस ये थोड़ा टाइम ही फेंटना होता है कि दूध अच्छी तरह एक जान हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए, इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दूध इसमें मिल जाना चाहिए, शक्कर और घी में अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने दूध डालकर अच्छी तरह इसे फेंट लिया है और ये बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। मैंने 2-4 मिनट इसे लगातार फेंटा है, बस यही पहचान है कि एक तो वाइट बिल्कुल वाइट हो जाएगा, दूसरी पहचान कि दूध अलग अलग नज़र नहीं आ रहा। देखो दूध ऐसा नहीं कि लग पड़ा है, और जो शक्कर और घी वाला मटेरियल था वो लग है, बिल्कुल एक जान हो गया, बस इतना फेंटना होता है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो इलायची पाउडर है वो ऐड कर लें, जो नमक है वो ऐड कर लें, तीसरी बात जो हमारे पास मीठा सोडा है सोडियम का बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, ये मिक्स कर लें अब इसे अच्छी तरह, ताकि जो हमारा सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, सोडा वगैरह है कहीं एक जगह ना इकट्ठा हो जाए। और अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसे गूंथेंगे, पहले मैं चम्मच की हेल्प से कर लूँगी, फिर हम इसका हाथ से, मैदा हमें निशान कर रखा हुआ है,
फिर मैं हाथों से इसे गूंथ लूँगी जैसे आटा गूंथते हैं, नीट करते हैं। देखिए मैंने पूरे का पूरा एक कप मैदा इसमें डाल दिया है, और फिर थोड़ा पहले हम चम्मच की से हेल्प से कर लेना, मेरा बाउल छोटा है, फिर मैं हाथ से करूँगी। एक बार इसे गीला सा कर लें, फिर मैं हाथ की से हेल्प से इसे गूंथ लूँगी। हाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि अगर आपका थोड़ा लूज़ रह जाता है तो आप इसमें थोड़ा मैदा और भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरा लूज़ रह गया, कोई घी की क्वांटिटी का अंतर होता है, कोई और होता है मतलब कि, तो थोड़ा बहुत आपको और भी मिलाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें इसने गूंथना है। गूंथने का मतलब होता है कि थोड़ा मेरे को मिलाना पड़ेगा इसमें। कई बार हमारा घी ज़्यादा बढ़िया होता है, दूध बढ़िया होता है, उसमें चिकनाहट की वजह से थोड़ा सा मैं इसमें और मिलाकर फिर बताती हूँ कि कैसा गूंथना है आप हमको। देखिए जो ये हमारा मैदा है थोड़ा लूज है, तो हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा और मिलाएंगे। थोड़ा सा मिलाना चाहिए पहले, फिर देखते हैं मिक्स करके कि कितना और खपेगा। ये क्या कारण होता है, कई बार हमारा दूध चिकनाहट वाला होता है और घी भी बहुत बढ़िया होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। बाकी मैंने जो रेसिपी बताई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो एक दो चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसे नीट करना होता है अच्छी तरह से। देखिए इस प्रकार से मैं अच्छी तरह से नीट करके आधा घंटा रख दूंगी, जिसे हम आटा लगाते हैं, इकट्ठा कर लेंगे। बस अब मैं एक दो चम्मच और मिक्स करूंगी और फिर इसे इकट्ठा करके आधा घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, जो साइड पे लगा हुआ है ना वो उतर जाए, हमारा वेस्ट ना जाए। बस और कुछ नहीं करना, इसे ढककर आधा घंटा रखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जो हमने आधा घंटा के लिए अपना आटा लगा कर रखा था उसकी हालत देखते हैं, ढककर रखा था कैसी है। बिल्कुल सही आटा बना है, देखिए इस प्रकार का। अब आपको मैं एक टिप दे रही हूँ, चाहे तो आप बटर पेपर ले लें, और चाहे आप जो आपकी मर्जी पे डिपेंड है कोई पॉलीथीन ले लें। मैं देखती हूँ कि बटर पेपर काम कर रहा है कि नहीं, हमारा छोटा सिटी है जहाँ चीज़ें भी ऐसी ही मिलती हैं, जो लेके तो कह के बटर पेपर ही आई हैं, फिर भी देख लेते हैं कि ठीक बैठता है कि नहीं। नीचे पॉलीथीन आप ले सकते हैं, जो मोटे वाला पॉलीथीन रहता है ना, इस प्रकार का, एक ऊपर लगा लें एक नीचे, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। ये तो घी भी बहुत पी रहा है, मेरे हिसाब से तो पॉलीथीन ही ज़्यादा अच्छा रहता है, शुद्ध घी होता है, सभी चूस लेगा ये। तो फिर हमने इसे बेलना है, ठीक सा बेलना है, ना ज़्यादा मोटे बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है। फिर आप जिस भी शेप में इसे कट करना चाहें, आम रोटी से थोड़ा मोटा रखना है, जैसे हम चपाती बनाते हैं। अब जिस भी शेप से आप काटना चाहें, मेरे पास कटर भी हैं, तो कटर की शेप में जिसमें आपको दिखा भी देती हूँ, नहीं आप ऐसे डायमंड कट, जो भी गोल मठड़ी जैसे भी आप काटना चाहें काट सकते हैं। हमने ये काट लिया है, मेरे हिसाब से पॉलीथीन ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो अब कोई भी बेकिंग डिश ले लीजिए, घी तो इसमें ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आप इस प्रकार से इसे चिन दीजिए, लगा दीजिए। थोड़े सॉफ्ट रहेंगे ना तभी अच्छे बनेंगे ना सॉफ्ट, तो इसलिए आटा इसका सॉफ्ट लगाना पड़ता है। अगर हम टाइट लगाएंगे तो हमारे वो सूखे सूखे से बनेंगे मठड़ियाँ, या कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, बहुत ही टेस्टी बनती हैं, इतने क्रंची मतलब बनती हैं सॉफ्ट।
डायमंड चोर्स जो भी आपको शेप पसंद हो आप लगा सकते हैं। मेरे पास कोई प्लेट वगैरह तो नहीं थी, तो मैंने तो जो मैं बेकिंग के लिए केक बेक करती हूँ वही टिनका पर जो किया है। तो आप इस प्रकार से अब मैं इसे क्या करूँगी, प्री हीटेड ओवन में माइक्रोवेव में कन्विक्शन पर, अब हम माइक्रो को कन्वेक्शन मोड पर लगाकर 200 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट बेक करेंगे। थोड़ी शेप भी मेरी बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, हमें टेस्ट तक मतलब है, टेस्ट अच्छा आ जाएगा, फिर मैं कटर से काटूंगी बाकी के। तो लीजिए अब हम इसे 200 डिग्री पर सेट कर लेंगे माइक्रो पे, कन्वेक्शन पे सॉरी। तो 10 मिनट के लिए, देखिए 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। दूसरे में आपको उसमें करके दिखाऊंगी जब ये होंगे ना नेक्स्ट बैच पे कटर के साथ किसे अच्छे बनते हैं। तो हमने 10 मिनट बाद इसे चेक किया था, तब जी मेरे को लगा कि थोड़ी इसमें कमी है। कमी मतलब ऐसा होता है कि ना मोटाई पे डिपेंड करता है कि मेरी कोई ज़्यादा मोटे बन जाते हैं कोई बारीक बन जाते हैं। तो फिर मैंने 6 मिनट और इसे बेक कर लिया कन्वेक्शन मोड पर ही। अब मैं इसे निकाल कर देख रही हूँ, तो देखिए जी बहुत अच्छी तरह से जो हमारी मठड़ियाँ हैं बिल्कुल देखिए जैसे हम फ्राई करके बनाते हैं उसी प्रकार की हो गई है। मैं निकाल के अभी दिखाऊंगी, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इतने हम क्या करेंगे नेक्स्ट बैच की मछलियाँ बेल लेंगे। आप शक्करपारे भी बना सकते हैं, मंडी भी बना सकते हैं। तो मेरे पास कोई प्लेट नहीं है, अगर आपके पास कोई ट्रे टाइप अल्मीनियम की कोई प्लेट हो तो उससे बड़ी आसानी से आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसे ठंडा होने देते हैं, मैं अभी कोई प्लेट भी देख कर आती हूँ अल्मीनियम की, अगर मेरे पास कोई ढक्कन नुमा हुआ तो मैं उस पर आपको दूसरे बैच की फ्राई बेक करके बताऊंगी। थोड़ा ठंडा होने देने, टूटने का डर रहता है, जब हम बिस्किट वगैरह भी बेक करते हैं तो ठंडा होने पर ही उसे उतारते हैं। जो हमारा मटेरियल बच गया था उसे मैंने इस प्रकार से हाथ से फैला दिया है, बड़ी अच्छी तरह फिल मतलब कि ये फैल जाता है क्योंकि इसमें घी की मात्रा काफ़ी रहती है। अब मैं आपको कटर से भी काट कर बताती हूँ कि किस प्रकार से आप स्टाइलिश बना सकते हैं। और मैं दूसरा, वो ठंडा हो रहा है ना टिन, तो अब हम इसमें रख लेंगे। जे मठड़ियाँ शक्करपारे कुछ भी बना सकते, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इतने क्रंची और सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि फ्राई किए हुए हैं। आप फ्राइड से भी बच जाते हैं और घर में शुद्ध घी से अच्छी प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। जो बाकी का रह जाएगा ना उसे हम पता क्या करेंगे, उसे हाथ से गोल मठड़ी बना लेंगे। कई लोगों के पास तो ना प्लेट नुमा होते हैं कोई भी अल्मीनियम का घर में, वो उसमें से बड़ी आसानी से बनाते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी आ जाते हैं उसमें। तो जो बेसन ही जाएगा ना इस प्रकार से फिर बना लेंगे इसका पेड़ा सा और फिर काट लेंगे। मैंने कहा चलो आपको वो शेप वाले भी बता दूं कटर से काट करके कैसे बनती हैं। दो तरह की शेप हमने काट ली है, इधर भी ऐसे भी निकल सकती है, देखते हैं ट्राई करके। और इसकी हाथ से हम गोल बना देंगे, थोड़ी छोटी गोल गोल ऐसे हाथ से बना देंगे। जैसे तंदूर पे चपाती लगाते हैं ना उस प्रकार से, इतने में वो ठंडी हो जाएगी। और इसे हम 16 मिनट तक ही करेंगे, वो मैंने 10 मिनट में ना हुई नहीं थी तो मैंने 6 मिनट और रख दी थी। तो लीजिए फिर वो मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी किस प्रकार से हमारी बनती है
तो उसी प्रकार से माइक्रो में कन्वेक्शन मोड पर हम इसे 16 मिनट तक करेंगे। डिग्री पर इतने में हमारा प्री हीट हो रहा है। प्री हीट होने के पश्चात हम इसे फिर रखते हैं। रही हूँ इसे, बड़ी आसानी से निकल रही हैं हमारी मठड़ियाँ, शक्करपारे, जो भी आप बुलाना चाहें, बहुत अच्छी तरह से हुई हैं। देखो ठंडा होने पर ये बहुत ही बस में क्रंची क्रिस्पी पता नहीं क्या ऐसे मुंह में घुल जाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। तो आप जो फ्राइड जो मठड़ियाँ बनाते हैं ना करवा चौथ कोई अस्मी पर, वो तो सब भूल ही जाएंगे, इस प्रकार की त्यौहारों पर बनाएंगे और रूटीन में भी बनाकर खाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा पतला बेल लेंगे ना तो फिर आपको कम टाइम में बेकिंग का टाइम कम लगेगा, वो आप देख लें कि कैसा, मतलब उधर हमारा अवन भी सेकंड बैच के लिए प्री हीट हो गया है तो हम उसमें रखने जा रहे हैं अपने सेकंड बैच के। ये थोड़ा कम, ये कम हुआ है, ये कम हुआ, उसमें रख दो, फिर निकालना पड़ेगा पर जल्दी। ये मोटाई पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, मेरे थोड़े से जो मोटे थे ना उन्होंने टाइम लिया है। देखिए हमने जो दूसरे बैच की मठड़ी थी है वो भी बेक कर लिया और इसकी शेप इस प्रकार से आई है। थोड़े से तो मतलब ठीक आ गई है शेप, क्योंकि मेरे पास वो टिन था, आपने देखा था, अगर कोई फ्लैट ट्रे वगैरह हो तो जो फ्लैट रखे थे सरफेस पे उसकी शेप तो ठीक आई है, परंतु बने बहुत बढ़िया है, खस्ता मठड़ी बनी है। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मठड़ियाँ बेक भी होती हैं। मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डाल के बताएं कि आपको बिना फ्राई की हुई मठड़ियाँ कैसी लगी। तो इस प्रकार से मेरी रेसिपीज पे आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एक मैसेज को रखें याद, पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।